फ्रेंड्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं वोकल कॉर्ड। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसी को ही कंटिन्यू करते हैं और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टडी करेंगे आज टॉपिक वोकल कॉर्ड। तो बेटा, हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड क्या होती है। तो वोकल कॉर्ड एक्चुअली ये हमारे लारिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड कहाँ होती है बेटा? प्रेजेंट इन लारिंग्स। फर्स्ट पॉइंट, वोकल कॉर्ड कहाँ है? हमारी लारिंग्स में। और एक्चुअली इसके दो पेयर होते हैं। वोकल कॉर्ड हैज़ टू पेयर्स। ठीक है, दो पेयर कौन कौन से होते हैं? एक अपर होता है और एक लोअर पेयर होता है। अपर पेयर और एक हो गया लोअर पेयर। जो अपर पेयर होता है लारिंग वोकल कॉर्ड का, उसको एक्चुअली हम फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स वोकल कॉर्ड। और जो लोअर पेयर है उसको कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। दो पार्ट क्लियर, एक तो फॉल्स वोकल कॉर्ड और दूसरा क्या है भाई? ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, जो वोकल, ये था हमारा इसके पार्ट्स भी। वोकल कॉर्ड के दो पेयर होते हैं, एक पेयर तो फॉल्स होता है, एक होता है ट्रू। लोअर पेयर होता है वो क्या होता है? ट्रू। और जो अपर पेयर है वो क्या है? फॉल्स। जो वोकल कॉर्ड है ये मैन और वोमेन में अलग अलग होती है। कैसे अलग होती है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स थिकनेस एंड साइज। तो हम बोलेंगे वोकल कॉर्ड इज थिकर एंड लॉन्गर इन मैन। ठीक है, वोकल कॉर्ड इज थिकर एंड लॉन्गर इन मैन देन वोमैन। वोमैन के अंदर ये थिन होती है एंड छोटी होती है एज कंपेयर टू मैन। इस वजह से ये थिक है, इसलिए इनमें वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या होती हैं? स्लो होती हैं। इसलिए इसका जो पिच है, वो पिच जो मैन में जो पिच है इसका, वो लो रेंज का पिच होता है। लो रेंज पिच देन वोमेन। वोमेन में क्या होता है? हाई रेंज ऑफ पिच, हाई पिच रेंज। इसलिए बेटा ध्यान से सुने, थिक होता है, लॉन्ग होता है, इसलिए वाइब्रेशन स्लो होती हैं और इसके अंदर पिच जो है वो लो रेंज की होती है। वोमेन के अंदर पिच जो है वो हाई रेंज की होती है। इसलिए मैन के अंदर जो वॉइस है वो लाउड होती है। वॉइस कैसी होती है? लाउड। ठीक है, और जो वोमेन है उनमें वॉइस कैसी होती है? शार्प होती है। इस वजह से इनके अंदर कैसी वॉइस होती है? शार्प। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वोकल कॉर्ड है किससे बनी होती है। तो वोकल कॉर्ड इज मेड ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू। सिंपली येलो इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है एंड इट इज कवर्ड बाय, चारों तरफ से किससे कवर्ड रहती है? ये रहती है नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एंड इज कवर्ड बाय नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और एपिथीलियम, इससे ये कवर्ड रहती है। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ और बचा है बेटा कि यह राइमा ग्लोटिडिस एक वर्ड होता है, क्या है? राइमा ग्लोटिडिस। ठीक है, तो राइमा ग्लोटिडिस क्या होता है? ये गैप होता है बिटवीन वोकल कॉर्ड। तो इट इज द गैप बिटवीन वोकल कॉर्ड्स। इट इज द गैप बिटवीन वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, जिस वजह से ये कम्युनिकेट करते हैं वोकल कॉर्ड विद लारिंगो फारिंग्स। ठीक है,
गैप है, इस वजह से दे कैन कम्युनिकेट विद लारिंगो फारिंग्स अबाव। इससे ऊपर जो लारिंगो फायरिंग्स है उससे साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये था आपका अपना वोकल कोड। अब हम बात करते हैं कि वोकल कोड है इस कैसे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम बेटा देखते हैं, देखिए हमने पढ़ा वोकल कोड क्या थी, अब हम बात करते हैं वोकल कोड की हेल्प से साउंड कैसे हमारे लारिंग्स में प्रोड्यूस होती है। साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली साउंड इज प्रोड्यूस बाय वोकल कोड, लेकिन हमने क्या बोला था कि वोकल कोड भी दो टाइप की बताई थी, एक फॉल्स और एक ट्रू। तो हम बताएंगे साउंड एक्चुअली प्रोड्यूस बाय, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा, ट्रू और फॉल्स। तो हम बताएंगे ट्रू वोकल कोड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रू वोकल कोड। फर्स्ट पॉइंट माइंड इट कि ट्रू वोकल कोड है केवल वही साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, सीक्वेंस में देखिए, एयर लंग्स हैं हमारे पास, यहाँ लंग्स एक्सपायर द एयर, एक्सपायर्स एयर, लंग्स एक्सपायर द एयर। तो प्रेशर से लंग्स से एयर निकलती है, ठीक है, अंडर प्रेशर, एक्सपायर एयर अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर लंग्स से एयर चली ट्रैकिया के थ्रू बाहर निकलेगी, तो क्या होगा, वोकल कोड। एक्चुअली हमने कल बताया था कि वोकल कोड होता है उसके बीच में ना एक गैप होता है जिसको स्लिट बोलते हैं, ठीक है, ये वोकल कोड की क्या है, मेम्ब्रेन है। तो लंग्स के एयर जो प्रेशर से आ रही है, दिस प्रेशराइज्ड एयर फ्रॉम लंग्स सेट द वोकल कोड इनटू वाइब्रेशंस, ठीक है, वोकल कोड सेट्स वोकल कोड इनटू वाइब्रेशंस। अब बेटा वोकल कोड है इसकी मेम्ब्रेन क्या करने लग गई, यहां पर वाइब्रेशन करने लग गई है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां साउंड प्रोडक्शन होगा, जैसे ही वाइब्रेट करेंगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। भाई वोकल कोड की जो मेम्ब्रेन है वाइब्रेट करने लगी, वाइब्रेट करने से क्या हुआ, यहां पर साउंड का प्रोडक्शन हुआ। अब ये मैटर करेगा कि साउंड जो है वो किस प्रकार की है, वो शार्प है लाउड है, ये डिटरमाइन कौन करेगा, पिच, ठीक है। ये कैसे डिटरमाइन करेगा, जितनी ज़्यादा टेंशन होगी इस वोकल कॉर्ड की मेम्ब्रेन में उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हाई पिच होगी। तो हम बोल देंगे बेटा ग्रेटर द टेंशन, ग्रेटर द टेंशन हायर विल बी द पिच, हायर पिच, ठीक है भाई। जितनी ज़्यादा वोकल कॉर्ड की मेम्ब्रेन में टेंशन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी पिच ज़्यादा होगी, और पिच ज़्यादा हो गई। अब हम बात करते हैं साउंड की क्वालिटी, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ साउंड, भाई साउंड की जो क्वालिटी है हमारी वो हर इंसान की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। साउंड की क्वालिटी हर इंसान की अलग अलग होती है, तो वो क्वालिटी है वो कौन मेजर करता है और कौन डिटरमाइन करता है और कौन उसको कंट्रोल करता है। तो साउंड की जो क्वालिटी है इसको कंट्रोल करने के लिए लारिंग्स के ऊपर, अबव द लारिंग्स, अबव द लारिंग्स, यहां रेजोनेटर्स होते हैं, क्या होते हैं यहां पर, अबव द लारिंग्स देर आर रेजोनेटर्स। रेजोनेटर्स क्या होते हैं, हमारे कुछ पार्ट्स हैं, जैसे रेजोनेटर्स में क्या क्या आ गया, जैसे फारिंग्स, ठीक है, रेजोनेटर्स में क्या क्या आ गया भाई, जैसे फारिंग्स, जैसे माउथ, जैसे पैरानेजल साइनसिस, जैसे माउथ और पैरानेजल साइनस स्पेस, साइनसिस स्पेस। तो ये सारे हैं रेजोनेटर की तरह बिहेव करते हैं, और क्वालिटी ऑफ साउंड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय, भाई कुछ रेजोनेटर्स हैं उसके अलावा कुछ हमारे और भी पार्ट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं क्वालिटी को,
क्वालिटी कंट्रोल बाय, क्वालिटी ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय सम पार्ट्स, जैसे कि माउथ में ओरल कैविटी के अंदर क्या होती है, मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ. क्या बताया, मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड माउथ. ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं क्वालिटी को. माउथ, टंग और मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट ऑल्सो कंट्रोल्स द एंड चिक्स. ठीक है, और कौन कंट्रोल करता है भाई, चिक और लिप्स और टीथ, ये सभी भी क्या करते हैं भैया, हमारी साउंड है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं. तो बेटा ये थी हमारी क्लास ऑन द टॉपिक वोकल कॉर्ड एंड वॉइस बॉक्स एंड यू कहें आप साउंड प्रोडक्शन, किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस होती है और साउंड के साथ साथ उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, ये सारी बातें हमने इस टॉपिक में पढ़ी. होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है. इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉमेंट मी, अदरवाइज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके. ओके, थैंक यू.